everyone, welcome to my channel and welcome to a new vlog. Hope so you all are doing super duper great. So guys, this is my day 2 in Dehradun. और कल हम लोग आ गए थे. कल मैं पूरा अच्छे से ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि कुछ ज़्यादा हुआ नहीं और बहुत सारे म्यूज़ियम थे, तो मैंने सोचा आउट ऑफ सिलेबस आप लोगों को क्या दिखाना. तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 शायद, या फिर 7 बज रहे होंगे, आई डोंट नो, लेट मी चेक. 7:47 हो रहा है और मैं निधि मैडम, निधि ने अभी बाल खोले अचानक से, तैयार भी सिर्फ कैमरा के लिए. तैयार हो गया है, क्या करना है ये तैयार. सबसे पहले नहा के तैयार हो गई हूँ और ये लोग अब उठ रहे हैं, इनको मैंने उठाया. ये बिल्कुल झूठ था, जब ये आई मैं बाथरूम में थी और मैं बैम्बू कॉम से अब अपने बालों को बहाऊंगी बाहर जाके और जो भी होगा आप लोगों को सबको दिखाऊंगी, जो होगा जैसा होगा. क्योंकि पता है वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग सा हो रहा है. मतलब FRI में आज तो हमारा प्रैक्टिकल है, मतलब म्यूजियम में बार बार जाके अजीब सा हो रहा है कि यार कितना ही दिखाऊं, कहीं फ़ोन अलाउड नहीं है तो ऐसा कुछ चल रहा है. और बाकी अनुष्का बाथरूम में है और भूमि है नहाने गई है दूसरों के बाथरूम में उधार पर, और ये भी यहाँ उधार पर आ रखी है. इसकी कुछ बातें बोलनी नहीं होती, इससे टर्न लगाइए आप, इसके बाद ये जाएगी. तो आई एम ऑल सेट. कल मैं नहा गई थी तो मैं अभी नहीं नहाऊंगी, मैं अब शाम को नहाऊंगी आके पसीना इकट्ठा करके. तो अभी क्या करना है, मैं रूम टूर भी दूंगी आप लोगों को. रूम भी नहीं दिखाया अच्छे से, वो रूम मैं तब दिखाऊंगी क्योंकि अभी रूम की हालत बहुत ख़राब हो रखी है. क्योंकि हम सब लोग अभी उठे हैं और हमने बिस्तर भी नहीं उठाया और बहुत अजीब अजीब हो रहा है, तो मैं बाद में दिखाऊंगी. तब तक लेट्स स्टे ट्यून और अभी हम ब्रेकफास्ट करने भी जाएंगे. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. लुक एट दिस कैट, ये धूप पे बैठी हुई, धूप सेक रही, मस्त, बहुत अच्छी सी है. वैसे बिल्लियाँ मुझे पसंद नहीं है. ठीक है, ये देखो और ये है कैट और ये हूँ मैं. काफ़ी सुंदर प्रॉपर्टी है. तो इसमें ना सीरियसली जाती हूँ कि मेरा हॉस्टल भी इतना अच्छा हो. मतलब यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक किचन भी है, हम खुद कुक भी कर सकते हैं. बहुत बेस्ट है यार, हॉस्टल जैसे चोचे लेनी है यार. इस ऐसा कमरा मिल जाता है ना, मज़ा आ जाता, सीरियसली मज़ा आ जाता. और निधि यहाँ पर डिप्रेशन में, निधि की चांस किसी और ने काट ली है. निधि को बहुत प्रेशर बना है, श्री मैं डालूंगी. कर दे भाई धमकी, देखो गाइस धमकी. और कुछ चल, आज से रश्मि के ब्लॉग में आपको मेरे कमेंट्स नहीं मिलेंगे. आज से ऐसे वाले सुन तो सही, ऐसे वाले कमेंट्स. तो गाइस देखिए, दुश्मन पाल लिया मैंने बहुत सारे. तो अभी मैं फटाफट, रश्मि नहीं चाहती कि हम 1.5 साल तक दोस्त रहे. और सुन तो सही, हम कितने बजे आ रहे हैं, तो तैयार क्यों नहीं हो रही ब्रेकफास्ट तो करने के लिए. चल ठीक है, देख नहीं रही. ग्रीन टी शर्ट पहन ली तूने गाइस, मैं सदी लेट हूँ क्या. मैं बहुत इत्मीनान से काम कर रही हूँ सारे. तो चलिए फिर मैं जा रही हूँ, और मैं मिनी ब्लॉग भी तो बनाना है, मैं भूल जा रही हूँ. क्या तुम तो मेरे से ना सिर्फ ब्लॉग बन रहे हैं, क्या तुम तो मेरे से मिनी ब्लॉग बन रहे हैं. और पता है जब मैं ये काम कर रही हूँ ना, मेरे से कभी कभी ना दोनों काम नहीं हो रहे. अब पता नहीं यार कैसे करूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मुझसे हो नहीं पा रहा है. बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट. आई एम आधी आधी सेट बिकॉज मैंने सिर्फ टी शर्ट डाली और जीन्स डाली अभी, और बाल अभी मेरे बच चुके हैं. तो फिर मैंने कटिंग कराई, बड़े अजीब से हो रहा है बाल. बाकी ये हमारे तीनों रूम्स हैं, वो मानसी लोगों का, ये हमारा और ये श्री लोगों का. बाकी यहाँ पे ये सही है यार, प्रेस बाहर पे दिया हुआ, हमें खुद के पर्सनल प्रेस लाने की ज़रूरत भी नहीं है. और ये हमारा मेस है, और ये मेस का बैक साइड है. अभी फ्रंट साइड हम जाएंगे आगे से, और ये दूसरी तरफ भी है, काफ़ी बड़ा है, अभी दिख छोटा रहा है. बाकी दिस इज़ तो हंस क्यों रही है, सुन तो सही, तूने यहाँ ब्रश क्यों नहीं किया. सो गाइस ये पेस्ट कहीं और से मांग के लाई, हमारे वॉशरूम में कोई और घुसा है और इसको जगह नहीं मिल रही. हाय बोलना, अभी ऐसे चोरों जैसे ही आ जा रही, क्या चुरा रही तू, सच बता. चुरा ले निधि, मुझे पता था तू बाल बना रही, मेरे भी बना दे. मैं तुझे तेरे कला का प्रदर्शन करने का टाइम दे रही हूँ गाइस.
चल दे दिया चलो। सो गाइस दिस इज निधि। निधि अपने बालों को बैम्बू कॉम से भारी है। अभी मेरे सर पे किसने मारा? भूमि नहीं कर सकती ऐसे काम बेटा, भूमि को खौफ है, भूमि के अंदर मेरे को लेके। तो भाई इसे बहुत अच्छा मिरर है यार, सबसे बेस्ट है ना, यही आना तो ब्लॉगिंग करने। अभी ब्लॉगिंग क्या करनी, मैं तो सोच रही हूँ यहीं शिफ्ट हो जाते हैं, क्यों एम एस सी यहीं से करेंगे। इनकी बात करी मैं उसे जाते गाइस, बेचारी भूमि। भाई पूरी दुनिया तैयार हो गई, ये बस भटक रही है इधर से उधर। गाइस ये हमारे पास नहीं है, सिर्फ इनके पास है, बहुत दुखद खबर। और हमारा रूम उसके जस्ट बगल वाला है। एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल प्लेस, एंड दिस इज श्री, जिसको शर्म आ रही है क्योंकि इससे मुंह नहीं धुला है। तुम सालों को ना सोने का कटोरा दे दो, तुमने भीखी मांगनी है, बाथरूम अंदर है भाई। इधर मुड़ना अनुष्का, मुड़ दिखाना अपनी खूबसूरती का राज। सो गाइस हाँ वो देखो, देख फोन भी अजीब दरार बढ़ गई मेरा इतना ग्लो देख के। सो गाइस इसका भाई अनुष्का का छोटा भाई। अभी टिल्लू को टिल्लू तो नहीं, टिल्लू हाँ क्या, मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे क्या पता। वो तो तुम जा रहे, तुम जैसी एडमिटी लड़िया नहीं करती शेयरिंग, हम तो देख ले हम। सो गाइस मुझे सुंदर बनाने की प्रक्रिया चालू है। निधि का वो, निधि मेरे पे बहुत दया भाव खा रही है ना, इसलिए निधि। ओए तू सुन तो सही, तूने बहुत आगे कर दिया। नहीं सो गाइस आई एम ऑल सेट रेडी टू गो। मैं यहाँ पर अनुष्का मिठाई हमारे साथ कैसे देख रही, मुरियो वाले बाल। तुम बाहर से कुछ पहन नहीं रहे, मुरियो वाले बाल है। अगर वहाँ धूप हो गई तो आप मेरी जैकेट रखने की जिम्मेदारी ले रहे हो, और अगर ठंड हो गई तो चल छोड़। हियर वी हैव मानसी, इससे कुछ भी फैशन वाले बाल नहीं बनाए। तुम में से किसी ने फैशन वाले बाल क्यों नहीं बनाए, फैशन वाले राम एस। देख शुभी को, देख फैशन, देख शुभी का ऐसा लग रहा है कंगी नहीं मारी होगी, ले ले मुझसे करने। देख उसके फैशन वाले बाल। ये निधि के भाई, निधि के, निधि ने तो मेरे बनाए हैं। भूमि इन दो रख लिया तो यार, अरे अभी रुक जाना, रखी नहीं है मैंने, रख लेना अभी, नहीं रखी बाद में। सो गाइज वी हैव डोसा, मसाला डोसा, सांभर एंड ये, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको खाने में, बट फिर भी क्या कर सकते हैं। बोलना कैसा लग रहा है। और बाकी मैं वेट कर रही हूँ इसका, इन लोगों का, कि लोग आ जाए मेरे पास और मैं खाऊं। देखो भूखे बच्चे बेचारे पहली बार। सो गाइज नॉट बैड, गुड गुड। सुमित नहीं आ रहा खुद। सुमित आया क्या? वो केदारनाथ जा रहा था। उसका टूर अलग का लगा पड़ा। गाइस लड़की महिलाएं सज रही हैं। एक तो सुबह 7 बजे से सज रही थी। कौन? जो ब्लॉग बना रही है। तेरा नाम बोल रही, वो मैं 7 बजे तो उठी भी नहीं। तेरी बात कर रही हूँ। तेरी बात कर रही हूँ। मैं इससे पहले मैं 7:30 बजे वॉशरूम गई हूँ भाई। हम तैयार हो गए हैं, पीछे हमारे फ्रेंड्स है सारे। और निकुल की थोड़ा बैटरी लो रखी, उसको चार्ज पे लगाया था अभी। और रेखा मैडम का कॉल आया था, मैंने उठाया नहीं गलती से। मैडम बोलेगी बेटा कहाँ है, मैं बोलिए किसी काम की नहीं है इसका, मैं वो कर देती हूँ। और फिर अब हम जा रहे हैं FRI वापस, क्योंकि आज हमारा प्रैक्टिकल है। अभी भी हम FRI में, और अभी भी हम FRI में नहीं, हम रुक, ये FRI का नहीं है, FRI का कोई कनेक्शन ही नहीं है इससे भाई, ये दूसरा है, ICAR का कुछ है, मुझे नहीं पता, हमें कुछ पता ही नहीं यार अच्छे से। कंजर्वेशन वाला इंस्टीट्यूट है ये। हाँ ICAR वाले, हाँ देहरादून वाले बताएंगे। और वो सामने सारे बच्चे जा रहे हैं, अब देखो कितनी दूर जाते हैं, 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से FRI, बट हमारे पास खुद की गाड़ी है जिसको हम 2000 पर डे दे रहे हैं, और फिर भी यूज़ नहीं करते, फिर भी यूज़ नहीं करते, खड़े रहने का 2000 दे रहे हैं, बाकी दिन के 4000 दे रहे हैं। इतना तो हम ऑटो में चले जाते।
तो गाइस कल रात हम यहाँ से भटक के गए अपना हॉस्टल रूम तक, मजा आया। आर हट गया इसमें से। तो तेरी यूनिवर्सिटी के आगे जबकि है हमारी यूनिवर्सिटी से तो अच्छी तो लग रही है। लाइटिंग देखी कल रात उनकी और हमारी लाइट देखी, तुझे पता है वो सेंसर वाली लाइट भी खत्म हो गई हमारे हॉस्टल के बाहर वाली। तो गाइस हम लोगों को पैदल चलाया जा रहा है, इसके अंदर हम यहाँ पे रुके हुए थे, देख लो कहाँ रुके हुए थे। तो गाइस हियर वी गो, इतना हमें पैदल जाना पड़ेगा और यहाँ हमें एंट्री करनी पड़ेगी और बहुत दूर पैदल जाना पड़ेगा। तीन राह कहाँ जाना है, पर सीधा तो फिर ही। सो गाइस वी आर हियर, सो बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे, सर भी भूल गए थे रास्ता। डे टू में मैं इतना ही शूट कर पाई, बाकी ये फोटोज डिस्प्ले जो हो रही हैं वो सारी हमारे इंडस्ट्री के, जो जो हमने सीखा और हमने बहुत सारा इंजॉय किया और हम रात को निकल गए घूमने जहां हमने डांट खाई और मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। लास्ट डे और भी मज़ा आया, वो सारी कैप्चर जो भी वीडियो की है वो भी दिखाऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे सेफ एंड बाय बाय।